सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज संडे है और आज सुबह सुबह ही कुछ मौसम जो है कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया है। तो बारिश होने के कारण आज मैं आप लोगों को पहले वेदर दिखा दूं कि कैसा है। चलिए मेरे साथ वेदर देख के आते हैं। तो वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बारिश ही बारिश है और ये 4-5 दिन से लगातार बारिश ही बारिश हो रहा है। सो मालूम नहीं क्यों ये बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है, मगर अच्छा है, मज़ा आता है बारिश के मौसम में। खाने पीने का भी मज़ा कुछ और है। तो आप लोग देख सकते हैं वेदर जो है, तो ये है वेदर आज का फिलहाल। तो और हम चलते हैं नीचे और देखते हैं आज क्या बनता है स्पेशल। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। ओके, मौसम तो काफ़ी अच्छा है और आप लोग ये देख सकते हैं आउटडोर मेरा। आप लोगों को दिखा देता हूँ रास्ते में भी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो बारिश की वजह से हम लोग के यहाँ पे बारिश का पानी जम जाता है। सो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बारिश का पानी है वो भी जम जाता है यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं अभी क्या बन रहा है तो स्पेशल। कुछ ऑनियन पड़े हुए हैं, टमाटर है और लहसुन मिर्चा और अदरक है। तो ये पेस्ट बनेगा थोड़ी देर के बाद। तो ये पेस्ट बनाया जा रहा है रेडी पेस्ट के लिए। चलिए ये पेस्ट रेडी हो जाए तब तक हम लोग इसका वेट करते हैं। रास्ते में पानी पानी है। चलिए ये सब हो चुका है, अब होता है पेस्ट रेडी। कढ़ाई में तेल आ गया। जो आलू है ऐसा ही पीसेस काट करके आपको पूरा का पूरा फ्राई भी करना है। तो आज मैं आलू का सब्जी बनाना सीख रहा हूँ, फ्यूचर में कभी काम आएगा हो सके, और हो सके क्या, काम आता ही है और फ्यूचर में ये सब काम आता है। तो चलिए सीखते हैं आलू का सब्जी कैसे बनाते हैं, वो भी इस वेदर में थोड़ा नया स्टाइल से। तो ऑयल जो है वो गरम हो चुका है, तब हम लोग को आलू फ्राई करना है। आलू फ्राई किया जा रहा है, चलिए ऐसे करके हम लोग को आलू बहुत सारे फ्राई करना है। इसके लिए और ये हमारा आलू फ्राई हो चुका है और इसको हम लोग अच्छे से एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और ये सबको आलू को भी ऐसे ही हम लोग फ्राई कर लेंगे। सो गाइस, अब हम लोग तेल डाल दिए हैं इसके अंदर और इसके बाद ये कुछ तेज पत्ता है, जीरा है और मिर्चा है, सूखा मिर्चा। के लिए फ्राई करेंगे
कि लाल हो जाए ये पूरी तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है लाल मिर्च, ये है धनिया पाउडर, ये है हल्दी, ये है जीरा पाउडर और ये है गरम मसाला। तो इसको हम लोग सब इसी के अंदर डाल देते हैं एक एक करके। अब इसको कुछ देर के लिए हम फ्राई करते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ मसाला है वो हम लोग को डालना है। अब आता है पेस्ट का बारी। तो ये पेस्ट जो है ये सीधा इसके अंदर जाएगा। आज लगता है मैं आलू का सब्जी बनाना सीख ही जाऊंगा। तो ये कुछ अलग तरह से आलू का सब्जी बन रहा है, इसलिए मैं सीख रहा हूँ पहली बार। और ये मैं आ गया एग्जॉस्ट फैन चलाने के लिए। सो एग्जॉस्ट फैन, आहा क्या स्मेल आ रहा है इसका। कैसे बुलबुला निकल रहा है। अब इसके अंदर हम लोगों को स्वाद अनुसार, सिर्फ और सिर्फ स्वाद अनुसार ही नमक डालना है, ज़्यादा नमक ना हो। तो ये हम लोग थोड़ा नमक भी ज़्यादा खाते हैं, अच्छा लगता है खाने में, इसीलिए। मसाला देख चुके हैं, ये जब तेल जो होता है वो छोड़ना स्टार्ट कर दे अगर मसाला से, तो मसाला फ्राई हो जाता है। ये ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, हो चुका है जल्दी। गाइस आज लग रहा है मैं सीख जाऊंगा अच्छा सब्जी बनाना, तो देखता हूँ आज सब्जी बना पाता हूँ या नहीं। तो आप लोग देख रहे हैं ये मसाला पूरा अच्छे तरह से हो चुका है, और इसके बाद जो बचा हुआ था हमारा मसाला, जैसे जीरा पाउडर और जो गरम मसाला, उसको हम लोग डाल देते हैं, डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साइड में हम लोगों ने पानी चढ़ा दिया है जो इस सब्जी में यूज़ करेंगे हम लोग। सो हम लोग इसके अंदर पानी डाल रहे हैं थोड़ा सा, और अब जो फ्राई किया हुआ आलू है उसको भी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, और इसके बाद इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और इसको थोड़े देर के लिए हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। तो हम लोग को समझ में कैसे आएगा कि आलू हो चुका है, देख रहे हैं आप लोग साइड में जो ऑयल होता है इसका, वो साइड से निकलने लगा है। इसका मतलब ये अच्छे से हो चुका है रेडी। और इसके बाद हम लोग पानी डालेंगे जो गर्म कर रहे थे थोड़ी देर पहले। गर्म पानी डालने का रीज़न ये होता है कि पहले तो आलू ये गर्म रहता है, और अगर हम लोग ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो उसको कुछ ज़्यादा देर पकाना पड़ेगा, आलू जो है वो सही से पकता नहीं है, इसलिए हम लोग गर्म पानी का यूज़ करते हैं, और इससे कलर भी अच्छा आता है। तो आप लोगों को जितना ग्रेवी टाइप लगे पानी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो मैंने ग्रेवी के लिए यूज़ किया है एक्चुअली वो हो गया आपका टमाटर प्याज का पेस्ट। टमाटर का जो पेस्ट होता है उससे ग्रेवी जो होता है बहुत अच्छा होता है, और खाने में भी टेस्टी लगता है। चलिए तो आलू को हम लोग कुछ देर ये ढक के इसको पकाते हैं कि आलू जो होता है वो हम लोग का स्टीम से सींझ जाए और कच्चा ना रहे और अच्छे से पक जाए।
और ये ढक दिया गया। तो मिलते हैं 5 to 10 मिनट्स के बाद। तो आलू का सब्जी वापस से हम लोग आ चुके हैं और देखिए कलर बहुत ही सुंदर आया है आलू का सब्जी में। और ये आलू का सब्जी रेडी है हम लोगों का बनके, और थोड़ा सा स्वाद चेंज करने के लिए हम लोग इसमें धनिया का पत्ता ऊपर से डाल देंगे। गाइस आलू का सब्जी रेडी हो चुका है और ये बन चुका है। मैं सीख लिया इसको, नेक्स्ट टाइम मैं खुद अकेले बनाऊंगा। ठीक। तो गाइस आज ट्यूशन के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ, जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। कभी कभी मेरे को ऐसा भी करना पड़ता है कि क्लास लेते वक्त नाश्ता भी करना पड़ता है। तो आज हम राइट हैंड से खाते हैं मगर खाएंगे आज हम अपने लेफ्ट हैंड से। और क्लास जो है क्लास भी चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं क्लास इज गोइंग ऑन। और काफ़ी सेटअप लगाने के बाद मेरे को क्लासेस कराना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नाश्ता और सबकी क्लास, और आप लोग भी इंजॉय करिए आलू का सब्जी। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे कि हम आपके साथ ऐसे ही बहुत सारा वीडियो शेयर कर सके। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।